बच्चों, आप सभी कक्षा 10 से कक्षा 11 में प्रवेश किए हैं और आप सभी गणित के विद्यार्थी हैं और आपका पहला चैप्टर जो है समुच्चय से स्टार्ट है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम संबंध और फलन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व में आपने समुच्चय अध्ययन कर चुके हैं, अब हम संबंध और फलन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम संबंध के बारे में पढ़ते हैं। संबंध अर्थात रिलेशन। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिनसे आप पूर्वपरिचित हैं। जैसे आप देखेंगे घर में भाई और बहन, पिता और पुत्र, और स्कूल में अध्यापक और विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार से हम पूर्व की कक्षा में कुछ गणितीय संबंधों का भी अध्ययन किए हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, छोटी कक्षा में हम पढ़े हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी होती है। स्क्रीन पे देखें आप, हमने एक उदाहरण के तौर पर लिया है, -10 इज लेस देन -9। ध्यान से देखें बच्चों, आपने संख्या रेखा में भी आपने इसको दर्शित करना सीखे हैं। आप संख्या रेखा देखिए स्क्रीन पे, -10, -9, -8। आप जानते हैं कि बाएं तरफ की संख्या छोटी होती है। संकेत के रूप में आपने देखा -10 छोटी है -9 से। तो बच्चों, यहां पर संबंध क्या है? छोटी है। ठीक इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण लें, 9 इज लेस देन 10। आप स्क्रीन पे देखें संख्या रेखा में अंकित है, संख्या रेखा में 8, 9, 10। तो बाएं तरफ की संख्या छोटी होती है। आप देखें 9 छोटी है 10 से। तो यहां पर जो संबंध है वो क्या है बच्चों? छोटी है। कैसे पढ़ेंगे? 9 छोटी है 10 से। आपने रेखा गणित में भी संबंध पढ़ा है, बता दूं मैं, जैसे रेखा L रेखा M के समानांतर हैं। आप स्क्रीन देखिए समानांतर रेखाएं, रेखा L रेखा M के समानांतर हैं। L इज पैरेलल टू M, ये आपने रेखा गणित में पढ़ा है। तो यहां पर संबंध क्या है बच्चों? के समानांतर हैं। ठीक इसी प्रकार से इसके जस्ट पहले इसी क्लास में आपने समुच्चय का अध्याय पढ़ा है। इसमें संबंध देखिए किस प्रकार से होता है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इसको भी उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए आप स्क्रीन पे देखें बच्चों, यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, आप देखिए स्क्रीन पे, और समुच्चय बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखें समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद हैं, 1 मौजूद हैं, 3 मौजूद है, देखते जाएं आप 5 मौजूद हैं। तो इसका क्या मतलब? समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। आप सांकेतिक रूप में इसको लिखना जानते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहां पर संबंध क्या है बच्चों? उपसमुच्चय है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम और भी ढेर सारे उदाहरण पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर दो चीज़ों के बीच, दो वस्तुओं के बीच एक संबंध होता है। इस क्लास में हम समुच्चयों के बीच संबंध और उसका निरूपण का अध्ययन करेंगे, किंतु संबंध में जाने से पहले हमें कुछ परिभाषित शब्दों का अध्ययन करना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। क्या होता है क्रमित युग्म? देखिए, हम एक क्रमित युग्म अवयवों का वह समूह होता है या युग्म होता है जिनको एक दूसरे को किसी विशेष क्रम पे समूहित किया जाता है। इसके लिए मान लो हम दो समुच्चय लेते हैं। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी उसमें कुछ कुछ अवयव हैं, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू समुच्चय बी, तब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, आप स्क्रीन पे देखें, ए कॉमा बी, यह एक क्रमित युग्म को दर्शाता है जिसमें ए जो है क्रमित युग्म का पहला अवयव और स्मॉल बी जो है क्रमित युग्म का दूसरा अवयव कहलाता है। ध्यान रहे बच्चों, एक क्रमित युग्म कैसे लिखा जाता है? एक विशेष क्रम पे लिखा जाता है, जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्रमित युग्म स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। इसमें स्मॉल ए क्रमित युग्म का पहला अवयव या पहला घटक और स्मॉल बी क्रमित युग्म का दूसरा अवयव या दूसरा घटक। यहां पर ये जानना होगा बच्चों, क्रमित युग्म ए बी और क्रमित युग्म बी ए, ये दोनों भिन्न क्रमित युग्म हैं, ये एक ही क्रमित युग्म नहीं है। आप ध्यान रहे, एक विशेष क्रम पे समूहित किया जाता है। दोनों में क्या अंतर देखने को मिला बच्चों, कि पहले क्रमित युग्म ए बी में पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, जबकि दूसरा क्रमित युग्म बी ए, देखिए इसमें पहला अवयव बी है जबकि दूसरा अवयव ए है। तो यहां पर ध्यान देना होगा बच्चों, क्रमित युग्म ए बी और क्रमित युग्म बी ए दो भिन्न क्रमित युग्म हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बच्चों सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। दो अरिक्त समुच्चयों, समुच्चय ए व समुच्चय बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए एवं द्वितीय अवयव समुच्चय बी का हो। इसे सांकेतिक रूप में निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 2 और समुच्चय बी इज इक्वल टू 3, 4, 5 तब समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन, जिसे ए क्रॉस बी से दर्शाएंगे, तब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू समुच्चय 1, 2 क्रॉस समुच्चय 3, 4, 5 अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहां पर हम क्रमित युग्म बनाएंगे जिसमें पहला अवयव समुच्चय ए का लेंगे और दूसरा अवयव समुच्चय बी का लेंगे। अर्थात पहले हम समुच्चय ए का अवयव 1 लेते हैं
और क्रमशः समुच्चय बी के अवयवों 3, 4, 5 के साथ क्रमिक युग्म बनाते हैं, तब क्रमित युग्म 1, 3, 1, 4, 1, 5 ठीक इसी प्रकार से समुच्चय ए के अवयव 2 का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्रमशः क्रमित युग्म बनाएंगे, अर्थात 2, 3, 2, 4, 2, 5। इस प्रकार ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5 तथा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सबसे पहले हम समुच्चय बी लेंगे, फिर समुच्चय ए के अवयवों के साथ हम क्रमशः क्रमित युग्म बनाएंगे। तो बच्चों बी क्रॉस ए इज इक्वल टू समुच्चय 3, 4, 5 क्रॉस समुच्चय 1, 2। तब बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2। बच्चों आप देख रहे हैं उपरोक्त ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए से स्पष्ट है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां स्पष्ट है कि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या 2 और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या 3 है, अर्थात एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 तथा एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 और एन ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 6। स्पष्ट है कि एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस बी। अर्थात यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी 2 परिमित समुच्चय हो तब एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अर्थात कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या वही होता है जो ए के अवयवों की संख्या और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या का गुणनफल। व्यापक रूप में यदि हम कहें कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल पी और एन ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ क्यू, तब एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। बच्चों अब हम 3 परिमित समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखेंगे। यदि समुच्चय ए कामा समुच्चय बी व समुच्चय सी 3 आरिक समुच्चय हो तथा स्मॉल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए कामा स्मॉल बी बिलोंग्स टू समुच्चय बी व स्मॉल सी बिलोंग्स टू समुच्चय सी 3 आरिक समुच्चय हो, तब समुच्चय ए कामा समुच्चय बी व समुच्चय सी का कार्तीय गुणन इस प्रकार होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्रमित त्रिक स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी तथा स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी। यहां पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी क्रमित त्रिक कहलाता है। बच्चों इसे हम एक उदाहरण लेकर के भी समझ लेते हैं। यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 2 समुच्चय बी इज इक्वल टू 3, 4 और समुच्चय सी इज इक्वल टू 5, 6। यहां पर स्पष्ट है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 और एन ऑफ सी इज इक्वल टू 2। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 2 क्रॉस 3, 4 अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 3, 1, 4
2, 3, 2, 4 तथा A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B ऊपर निकाल चुके हैं जो है 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 क्रॉस 5, 6 तब A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू क्रमित त्रिक 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 3, 6, 2, 4, 6 यहां पर स्पष्ट है A क्रॉस B क्रॉस C में कितने क्रमित त्रिक बने आप काउंट करेंगे तो पाएंगे इसमें 8 क्रमित त्रिक बने हैं अर्थात n ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू 8 तथा n ऑफ A इंटू n ऑफ B इंटू n ऑफ C इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 अतः स्पष्ट है कि n ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B इंटू n ऑफ C बच्चों अब हम क्रमित युग्म पर आधारित एक प्रश्न करते हैं ये प्रश्न है यदि क्रमित युग्म x by 3 plus 1 कॉमा y minus 2 by 3 is equal to क्रमित युग्म 5 by 3 कॉमा 1 by 3 तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए बच्चों इसे हल करते हैं क्योंकि क्रमित युग्म x by 3 plus 1 कॉमा y minus 2 by 3 is equal to क्रमित युग्म 5 by 3 कॉमा 1 by 3 दिया गया है क्योंकि समान क्रमित युग्म के संगत अवयव समान होते हैं therefore संगत अवयव को बराबर करने पर अर्थात x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 तथा y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 अब प्रत्येक समीकरण को हम सरल करते हैं पहला समीकरण को सरल करने पर x plus 3 whole by 3 is equal to 5 by 3 there implies x plus 3 is equal to 5 there implies x is equal to 5 minus 3 therefore x is equal to 2 तथा दूसरा समीकरण को सरल करने पर 3y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 there implies 3y minus 2 is equal to 1 there implies 3y is equal to 1 plus 2 there implies 3y is equal to 3 there implies y is equal to 3 by 3 therefore y is equal to 1 अतः x is equal to 2 तथा y is equal to 1 यही आंसर होगा